प्रश्न करना चाहें। हाँ मैं, हेलो हेलो हेलो, विनोद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मैं। हेलो भाई, मेरा सवाल है, हेलो बोल रहा हूँ जी। विनोद जी पहले Hello? आप प्रश्न कर लीजिए। विनोद जी, हाँ मेरा प्रश्न ये है जी। विनोद जी हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी विनोद जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो 2018 की भर्तियां हैं, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग होने में 3 साल का समय लग गया है, ठीक है? और ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जिनको एग्जाम कराने हम जा रहे हैं 15 दिसंबर से, इनके प्रक्रिया पूरी होते ही 2021 हो जाएगा, तो क्या इनकी ज्वाइनिंग 2022 या 23 में प्लान है क्या? और तब तक हमारे पास कितना बैकलॉग और बढ़ जाएगा? विनोद जी, आपको शायद ये मुझे मेरे ख्याल से आपको हमारा साथ देना चाहिए इस बात में कि कहीं पे भी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था, या कभी हमने इस परिस्थिति को सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा कि इनको हम 2018 में एग्जाम करा के या 19 में एग्जाम करा के 21 में ज्वाइनिंग देंगे, या अब 21 ही आ जाएगा। लेकिन जो हुआ है पिछले साल भर में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, वो हम लोग सब उसके आगे मजबूर थे। परिस्थितियां जो है, भगवान करेगा, अगर वैक्सीन वगैरह सब जल्दी आ जाती है तो जो आपका अप्रेंशन है वो नहीं होगा, और हम लोग इनको पहले ही देंगे ज्वाइन। हमारा मतलब हम कोई इसको डेफर विलफुली डेफर करा रहे हैं या किसी और से हमारा कोई हिडन एजेंडा है, ऐसा नहीं है। ये हम आपको मेरी बात नहीं खाती साहब, मेरा वो सवाल नहीं था। सवाल था कि जब 2018 में जब हम लोग खबर लिखते थे इस मामले में, तो उस समय ये कहा जाता था कि हम 1 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे, ठीक है? और ये कोविड का सिचुएशन मार्च और फरवरी से आया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि अभी वैक्सीन आया नहीं है और हम एग्जाम कराने की प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक मेरा तो एग्जाम चलेगा, तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग प्रक्रिया और सारी करने में 2022 और 23 लग जाएगा क्या? मैं ये सवाल था मेरा आपसे। मतलब जो हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। अगला कितना हो जाएगा आपका? और ये तो वैकेंसियां ऑलरेडी 21 मई तक की लीव, वैकेंसियां आगे की लीव ही है ऑलरेडी, ये वैकेंसियां आज की नहीं है, ये आगे की वैकेंसियां भी हैं इसमें। कब तक की है? 21 मई से। अब जी सर, 21-22 तक की वैकेंसियां ऑलरेडी फैक्टर, वहां वो फैक्टर हमारे यहां एक फार्मूला होता है। अभी स्टैंड कितना है आपका टोटल इंडियन रेलवेज में? हमारे पास जो टोटल सेंशन स्टैंड है 15 लाख के आसपास है जी, और हमारे पास जी जो रोल सर ऑन रोल हमारे पास करीब करीब 12.5 लाख के आसपास है। तो जो हमारे पास लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोको पायलट टेक्नीशियन, ये लोग ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग, देखिए वैकेंसीज का आना और वैकेंसीज का राइज होना, वैकेंसीज फिलअप होना, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग प्लान करते हैं कि ये जानते हुए वैकेंसी आएंगे, लोग रिटायर करेंगे, लोग प्रमोट होंगे, वैकेंसी आएंगी, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वैकेंसी को हम लोग एसेस करते हुए आगे आने वाले 2 साल वैकेंसी लेकर के हम प्लान करते हैं, और आप बस एक बात सुन लीजिए, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको भी कॉन्फर्म करते हैं, ट्रेनिंग लगेगा, ट्रेनिंग पीरियड लगेगा, उसके बाद नहीं पोस्ट हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें हम हर समय जो असेस करते हैं स्ट्रेंथ को, इस बात ध्यान रखे चलते हैं कि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग में रहेंगे, हमारे पास कुछ लोग जो है हमें रोस्टर के साथ उनको रेस्ट देना पड़ता है, तो रेलवे का ऑपरेशन इसको हम उस साथ मैनेज करते हैं। विनोद जी, आपको इस बात का मैं एक ही चीज ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही हैं, हम भी री इन्वेंट कर रहे हैं। हम लोग पहले हमने शुरू में बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने वर्चुअल ट्रेनिंग, जो फील्ड ट्रेनिंग जो इंस्ट्रूमेंट पे होती है उसको छोड़ के जो वर्चुअल ट्रेनिंग होती है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी, तो वो हम भी थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर में चल रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लोग हमारे को ज्वाइन करें। ठीक है विनोद जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मीडिया के एक फ्रेंड और क्वेश्चन करना चाहते थे, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आवाज जी, मामनी सर, कैन यू हियर मी? हाँ मामनी मैम बोलिए। हेलो जी, जी मैम आप सुन सकते हैं आपको, प्लीज क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि ये जो एग्जाम कौन सा एजेंसी कंडक्ट कर रहा है, ये सारा जो द एंटायर कंट्री में, इज देयर वन एजेंसी दैट इज कंडक्टिंग या मल्टीपल एजेंसीज है जो ये सीबीटी कंडक्ट कर रहा है,
वो क्वेश्चन नंबर वन था और क्वेश्चन टू वाज अ क्लैरिफिकेशन सर कि आपने बोला कि जैसे 20 मतलब बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म नंबर ऑफ सेंटर्स और बेसिकली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर रूम आपका बहुत लोअर करना पड़ रहा है, तो उसका एक ब्रॉडली नंबर दे सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से कितना ज्यादा सेंटर आपको इंक्रीज, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम टू व्हाट एक्सटेंट वो बढ़ा है, सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन. थैंक यू सर. मान लीजिए आपका सवाल है कि एक तो एजेंसी कौन सी कर रही है, तो हम आपसे शेयर करने में असमर्थ हैं बिकॉज दिस इज कॉन्फिडेंशियल मैटर. और दूसरा सवाल का आपका जवाब यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बिकॉज देयर इज गवर्नमेंट प्रोटोकॉल ऑन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स निकाला है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन रखना है. नेचुरली आपने बहुत सही कहा है कि हमारी जो सेंटर्स की कैपेसिटी निश्चित रूप से कम हो गई है, मतलब 100% कैपेसिटी पर एग्जाम नहीं कर सकते हैं, इट इज डेफिनेटली रिड्यूस्ड. ये कितना रिड्यूस करता है इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर, साइज ऑफ द रूम, बट नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कम से कम हमारी कैपेसिटी अगर 100 बच्चे बैठ सकते हैं तो हमें 60-65 ही बैठ पाएंगे. तो देयरफॉर अच्छा दूसरी बात ये भी है कि सुन ले, दूसरी बात यह है कि हमने पहले हमने लास्ट टाइम एग्जाम किया था वो एक दिन में 3 शिफ्ट हम प्लान कर सकते थे, लेकिन इस बार हमने 2 ही शिफ्ट प्लान किया है, तो इसकी वजह से भी हमारी कैपेसिटी लिमिट हो गई है. तो इसकी वजह से जो टोटल एग्जाम है, जो ड्यूरेशन है, डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा इस कोविड कंडीशन में. आपका कुछ था और कुछ था? जी मामूनी मैम, बेटा ओके ओके, थैंक यू मामूनी मैम. कोई और मीडिया के दोस्त अगर प्रश्न करना चाहें? कॉस्ट कॉस्ट सर कॉस्ट बिल्कुल. मनोज भाई कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी डेफिनेटली, यस कॉस्ट फैक्टर बढ़ेगा ही बिकॉज इसमें हमारी कैपेसिटी कम हो सकती है और उसको सैनिटाइजर और बाकी चीजें हमें चेक करना पड़ेगा, ज्यादा स्टाफ लगाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट बढ़ेगा ही हमारा. नॉर्मल स्टेट नॉर्मल टाइम कंपैरिजन में कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज. जी ब्रह्म जी, अब आप अपना प्रश्न पूछिए. मेरी आवाज मिल रही है? जी जी ब्रह्म, कुछ आइडिया दे सकते? क्या बोले, आवाज की आवाज नहीं आ रही है मामनी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. एनी नंबर को आपकी आवाज नहीं आ रही है. मामनी मैम प्रकाश बोल रहा, आवाज नहीं. मैं प्रकाश बोल रहा हूँ. ओके ओके ब्रह्म जी, आप ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ. आप अलग से भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, जवाब दे देंगे. जी मैम अगला सवाल ले सकते हैं. मनोज ब्रह्म जी, आप अपना प्रश्न पूछिए. आप हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो पहले एग्जाम हुए थे और अब एग्जाम हो रहे हैं, जो पहले वैकेंसी निकाली थी 2017-18 में वही 1,40,000 के लग, तो उसी की प्रोसेस अभी चल रही है, और पहले कितने वैकेंसीज की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, क्या कोई नई वैकेंसीज भी अभी निकाली है? जी ब्रह्म, बिल्कुल ये तो बिल्कुल अलग वैकेंसी है. मैं आप बताना चाहूंगा कि पहले हमने जो एग्जाम दिया था वो अलग कैटेगरीज के थे. पहले हमने जो दिया था उसमें ALP टेक्नीशियन थे, हमारे पास जूनियर इंजीनियर थे, पैरामेडिकल के थे और लेवल वन के थे. इस बार जो हम एग्जाम ले रहे हैं उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज है. एक आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज है जिसमें आपके टीचर्स और स्टेनोग्राफर्स ये लोग आते हैं. दूसरी NTPC है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की है, वो दूसरी परीक्षा है. तीसरा लेवल वन का है, लेवल वन सेम कैटेगरीज के, बट दीज वैकेंसीज आर एडिशनल वैकेंसीज विद एन होराइजन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, बिकॉज ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारा. एक रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है, खत्म होता है, दूसरा रिक्रूटमेंट शुरू होता है, तो दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज डन बाई RRBs. जी ब्रह्म जी, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. आई होप आप सहमत है या कुछ और? मोटा मोटा ब्रह्म जी ये समझिए कि वो पैकेजेस डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं है उनको डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है. ठीक है ब्रह्म जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ब्रह्म जी. आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रह्म जी. जी कोई और मीडिया के फ्रेंड अगर क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ये नई वैकेंसीज है. नई वैकेंसीज है, बिल्कुल नई वैकेंसीज है, बिल्कुल नई वैकेंसीज है.
कोई और मीडिया के दोस्त ठीक अगर है धन्यवाद। प्रश्न करना चाहें। आई थिंक सर अब किसी के प्रश्न नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर खाती सर का और साथ में ओएसडी सर का की मीडिया को इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए जो योजनाएं हैं रेलवेज की और उसके लिए जो हमारी तैयारियां हैं उसके लिए उसके अंतर्गत रेलवे क्या कर रहा है। और मैं मीडिया के अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाल करके इस प्रेस ब्रीफिंग को ज्वाइन किया और उम्मीद करता हूं कि उनके माध्यम से आम जनता तक अभ्यर्थियों तक एक उचित जानकारी जो रेलवे की तैयारी है जो रेलवे की योजना है वो पहुंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।